राजे सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है, और जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। हमने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा जो पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे ग्रहण करें। सब विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से ये उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग बैठ की दरें घटाएं सिविल एविएशन के लिए। हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% बैठ की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। सर कोई हेली हब गुड़गांव में हेली हब बनाने के लिए भी लैंड का प्रपोजल उन्होंने मांगा है, हम बहुत जल्द उसको बता देंगे। तो उससे हेली हब से क्या प्रदेश को क्या उसको दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक गुरुग्राम में हेली हब बनेगा तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर्स की जो उतरने की सुविधा है वो एक प्रकार से एयरपोर्ट को भी सपोर्ट करेगी और जनता के भी लाभ रहेगा। हिसार एयरपोर्ट कब तक पूरा हो जाएगा सर? 2 साल के अंदर पूरा करने की तैयारी है उसमें, 2022-23 में 23 तक पूरा हो जाएगा। उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग बैठ की दरें घटाएं सिविल एविएशन के लिए। हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% बैठ की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा में। सर कोई हेली हब राज्य सिंधिया जी से हमारी मीटिंग हुई, जिसके अंदर सिविल एविएशन से जुड़े हुए हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर हिसार का एयरपोर्ट है, गुड़गांव में हेली हब है, करनाल एयरपोर्ट है, अम्बाला एयरपोर्ट है, और पायलट ट्रेनिंग स्कूल भिवानी नारनौल, इस प्रकार कई विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने उनको निमंत्रण भी दिया कि वो भिवानी का जो हमारा पायलट ट्रेनिंग स्कूल शुरू करना है उसको आगे ग्रहण करें। सब विषय बहुत अच्छे प्रकार से दिया है। गुड़गांव में हेली हब बनाने के लिए भी लैंड का प्रपोजल उन्होंने मांगा है, बहुत जल्द। तो उससे हेली हब से क्या प्रदेश को क्या उसको दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक गुरुग्राम में हेली हब बनेगा तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी हेलीकॉप्टर्स की जो उतरने की सुविधा है वो एक प्रकार से एयरपोर्ट को सपोर्ट करेगी और मिला। हिसार एयरपोर्ट कब तक पूरा हो जाएगा सर? 2 साल के अंदर पूरा करने की तैयारी है उसमें, 2022-23 में 23 तक पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। ये उनकी ओर से प्रपोजल था कि इसको हम लोग बैठ की दरें घटाएं सिविल एविएशन के लिए। हमने मान लिया कि 1% जो है 20% की बजाय 1% बैठ की दर जो है वो निश्चित की जाएगी हरियाणा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।